गाजीपुर में कोरोना वायरस संक्रमित नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यही वजह है कि गाजीपुर में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की बात करें तो इनकी संख्या 68 है। इस बीच गाजीपुर के रेवतीपुर थाना इलाके में पड़ने वाले गांव सोनार टोली निवासी दो युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद गाजीपुर जिलाधिकारी ने इस इलाके को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। आइए आपको एक झलक दिखाते हैं कि पुलिस प्रशासन ने मिलकर उसके बाद गांव में क्या कदम उठाए। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अतः आपके मोहल्ले को हॉट स्पॉट जोन सील कर दिया गया है। अतः यहाँ के लोग, कितने भी लोग हैं, अपने घरों के बाहर अनावश्यक नहीं निकलेंगे या वैसे भी नहीं निकलेंगे, और अगर निकलते हैं, दरवाजे पर बैठते हैं, तो बिना मास्क लगाए नहीं बैठेंगे और अपने घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे, घर के बाहर नहीं निकलेंगे और मास्क लगाएंगे, निकलने का प्रयास नहीं करेगा। जो भी चीजें घटेंगे शासन के निर्देशानुसार आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। अनावश्यक रूप से जो भी व्यक्ति बाहर निकलते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ FIR होगा और 1000 कम से कम 1000 रुपए तक का जुर्माना भी होगा। अतः सभी लोग सूचित हो, अपने अपने घरों के अंदर ही रहेंगे, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ शुक्रवार की देर रात सेवराई उप जिलाधिकारी विक्रम सिंह, प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रसाद सिंह मय पुलिस बल के साथ कस्बे स्थित मोहल्ले पहुंचे। इसके सभी प्रमुख सातों मार्गों को बांस बल्लियां लगा मोहल्ले को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इसके बाद सभी प्रमुख जगहों पर पुलिस कर्मियों की शिफ्टवार 24 घंटे तैनाती कर दी गई। मोहल्ले के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए जरूरी सामानों की डोर टू डोर सप्लाई के लिए भी कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। इस काम के लिए 2 प्रवेश पॉइंट बनाए गए हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्कता बरतने के लिए खास टिप्स भी दिए हैं। इसके अलावा चेताया कि अगर लोग बिना जरूरी काम के घरों से निकले तो एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि सोनार टोली निवासी दो युवक महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आए थे। संक्रमण के संदिग्ध पाए जाने पर दोनों को सेवराई के विद्यालय में क्वारंटीन कर दिया गया है। 2 दिनों पहले दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। इसके बाद गाँव सहित क्षेत्र के लोग सहमे हुए हैं। रेवतीपुर थाना अंतर्गत ही पकड़ी गांव निवासी एक युवक का भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। फिलहाल युवक सेवराई के एक विद्यालय में क्वारंटीन है। पकड़ी का युवक महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ट्रक के जरिए सीधे जमनिया पहुंचा था, जहां से बाइक लेकर अपने गांव पहुंचा। युवक ने उसके बाद रेवतीपुर थाने पहुंच अपने आने की सूचना दी। वो खुद अपना चिकित्सकीय परीक्षण कराने के लिए गाजीपुर पहुंचा था। सोनार टोली के युवक बीते दिनों गुजरात के वडोदरा से ट्रक के जरिए गाँव पहुंचे थे। आपको बता दें कि पकड़ी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि उपेंद्र शर्मा की तरफ से मोहल्ले में लगातार साफ सफाई व सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। ऐसा इसलिए ताकि गांव में और लोगों तक संक्रमण न पहुंचे। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।